नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज बात करूंगा छोटे वीडियो वाली सीरीज में, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, पाइल्स यानी बवासीर को लेकर। पाइल्स हीमोराइड या बवासीर, पाइल्स यदि आपको है और आप कई सालों से पाइल्स से परेशान हैं, या कुछ समय भी हुआ हो, साल भर, एक साल, दो साल, तीन साल, छह महीने, दो महीने, जितना भी आपको वक्त हुआ हो, या तो अभी का हो या पुराना हो, उसके लिए मैं कुछ मेडिसिन शेयर कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। और ये मैं डिस्कस कर रहा हूं कि किस कारण से पाइल्स जनरली होता है। छोटे से वीडियो में समझिएगा, पाइल्स यानी बवासीर होने का जो मुख्य कारण है वो है हमारी जीवन शैली। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले का खान पान, और स्पेशली जब रात में मिर्च मसाला बहुत ज्यादा होता है आपके खाने में, और आपका पाचन तंत्र बहुत ज्यादा मिर्च मसाले की वजह से खाने को ठीक से पचा नहीं पाता, क्योंकि साथ एक तो खाना बहुत ज्यादा मसालेदार है, मिर्च मसालेदार, दूसरा रात में जो नींद होती है वो यदि ठीक ना हो तो नींद की कमी की वजह से या देर से सोने की वजह से पाचन में अनियमितताएं आती है, जो मांसपेशियां होती हैं लैक्टिन की जगह में, लैक्टिन कड़ा होता है, लैक्टिन का जो गेट होता है समझ लीजिए रेक्टम, उस रेक्टम की जगह में जो जगह है उसमें स्फिंक्टर होते हैं, मांसपेशियां होती, तो कड़े लैक्टिन की वजह से, कड़ा मल आने की वजह से, या सॉफ्ट मोशन भी हो और वो भी एफर्ट लगाना पड़ता है, इस वजह से ये जगह कड़े लैट्रिन की वजह से इरोड करती है, रगड़ खाती है, या फिर सॉफ्ट मोशन को भी ताकत बहुत लगाना पड़ता है, तो प्रेशर की वजह से लैट्रिन की जगह में, लैट्रिन की जो जगह बनी हुई है उस जगह की ब्लड सप्लाई, खून की नलियां फैल जाती हैं, इसे बवासीर कहते हैं। तो बवासीर होता है उसका कारण आपको मैंने बताया, बवासीर मतलब खून की नलियां फैल जाना लैट्रिन की जो जगह है उस जगह पे, और ये जब ज्यादा फैल जाती हैं तो ज्यादा फैलने की वजह से पंक्चर हो जाती हैं, बस्ट जाती हैं, फट जाती हैं और ब्लीडिंग करती हैं। इनको ठीक करने का क्या तरीका है? इनको ठीक करने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी जो रात में जो सोने की आदत है बहुत देर से, उस देर से सोने वाली आदत को सबसे पहले करेक्ट कर लो, ज्यादा से ज्यादा 11 या 12 बजे, उसके बाद जागना नहीं, बहुत ज्यादा हुआ तो 12 बजे तक, उससे आगे नहीं जागना। और यदि जो नाइट शिफ्ट वाले हैं तो उनका पूरा का पूरा शेड्यूल मैं किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा कि नाइट शिफ्ट वाले लोगों को क्या करना चाहिए यदि बवासीर है तो। दूसरा, आपके खाने का टाइमिंग बहुत उसको सुधारना पड़ेगा आपको, जो सुबह का खाना आप 3 बजे खाते हैं वो बहुत आपका गड़बड़ है, तो रात का खाना आपका बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, ये डाइजेशन को गड़बड़ करते हैं, और बहुत ज्यादा बाहर का खान पान भी आपको तकलीफ देता है। आपके खाने में मिर्च मसाले तो होते ही हैं, साथ में जंक फूड बहुत हो गए हैं, वो तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों का जंक फूड कम हो गया है, क्योंकि मिलता ही नहीं है, सब बंद है इसीलिए, अदरवाइज उसके बावजूद भी लोगों ने घर पे, आप लोगों ने बहुत ज्यादा यदि मसाले में खाए या तेल मसाले बहुत ज्यादा हुए हैं, मैदे का खाना बहुत ज्यादा हो गया तो आपको ये तकलीफ हो सकती है, क्योंकि एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, इंडाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करना है, दवाइयां क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां दवाइयों का नाम नोट कीजिए जो आपको दो दो बूंद में लेनी है। पहली दवा है एस्कुलस हिप, एस्कुलस हिप 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में आपको लेनी है डायरेक्ट जीभ पे। दूसरी दवाई है नख स्वामी का 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में। और तीसरी जो मेडिसिन है जो ब्लीडिंग को रोकेगी वो है हेमामेलिस वर्जिनिका 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में। यदि आपको बवासीर की तकलीफ बहुत ज्यादा है, ये तो शुरुआती कंडीशन के लिए, यदि बहुत ज्यादा है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो हेमामेलिस वर्जिनिका और एस्कुलस हिप का मदर टीचर आपको लेना है 20-20 बूंद आधा कप पानी में। इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिए, यदि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है तो हेमामेलिस बहुत अच्छी ड्रग है और एस्कुलस हिप बहुत अच्छी ड्रग है। यदि इन सब से भी आपको आराम नहीं मिलता तो रेटेनिया और पेओनिया
30 पोटेंसी में दो दो बूंद आपको दिन में तीन बार लेना है, आपकी ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी और लैटिन की जगह में जो चुभन सी होती है, जलन होता है, वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि रेटिनिया और पेओनिया बहुत इफेक्टिव ड्रग है, बहुत प्रैक्टिकली आप इस चीज को समझ पाएंगे जब आप इसको यूज करेंगे। यदि बवासीर बहुत ज्यादा क्रॉनिक है और ब्लीडिंग अक्सर आपको होती रहती है, तो आपको बीच में नाइट्रिक एसिड 200 की एक खुराक लेनी है। यदि बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है और पेन बहुत ज्यादा है, तो नाइट्रिक एसिड में पेन स्प्लिंटर लाइक पेन होता है, जैसे कुछ बहुत ज्यादा चुभ रहा हो, बहुत ज्यादा जलन कर रहा हो, बहुत ज्यादा दर्द हो। तो ये कुछ दवाइयां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एस्कुलस हिप का ऑइंटमेंट आता है जो आपको लैटिन की जगह में अच्छे से लगाना है, उसका एप्लीकेटर उसमें होता है ट्यूब के साथ, उसमें आप लगाइए और उसको अंदर लगा दीजिए और जिस चीज से लगाया उसको साफ कर दीजिए। और बवासीर की जो मरीज है उनके साथ समस्या होती है कि लैटिन की जगह में पेन बहुत ज्यादा होता है कभी कभी, तो जो पेन होता है उसके लिए सिड्स बाथ की सलाह दी जाती है। सिड्स बाथ का मतलब होता है गुनगुना पानी आप एक ऐसी चीज में ले लीजिए, एक बकेट में ले लीजिए या जिसमें आप बैठ पाए, गुनगुना पानी लीजिए एक टब में और उसमें डाल दीजिए मदर टिंचर आर्निका और कैलेंडुला का। आर्निका और कैलेंडुला का मदर टिंचर 100 ml की बोतल ले लीजिए, दो दो ढक्कन मदर टिंचर उसमें डाल दीजिए, आर्निका का भी और कैलेंडुला का भी। बहुत ज्यादा पानी मत रखिएगा, इतना रखिए कि आप लैटिन की उस जगह को उसकी सिकाई कर सकें। रेक्टम का जो एरिया है, मल द्वार है, यदि वो साफ हो जाए, वो सिकाई हो जाए उसकी, तो आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। और चूंकि आर्निका और कैलेंडुला उसमें मिला हुआ है तो एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा और वो क्लीन अप हो जाएगा। रात में खाना खाने के बाद आप सोते समय 10 से 15 ml कैस्टर ऑयल का यूज करेंगे, अंडी का तेल, ताकि आपका पेट और आपकी आंतें पूरी तरह से साफ हो जाएं। और आंतें जब साफ हो जाएंगी तो आपके आंतों को हीलिंग, आपके जो रेक्टम की जगह है, एनल कैनाल है, उसको घाव को भरने का मौका मिलेगा और ब्लीडिंग आपकी स्टॉप होगी और दवाइयां लगातार चलती रहेंगी, तो धीरे धीरे बवासीर की समस्या से आपको आराम मिल जाएगा। आशा है ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव साबित होगा, जैसा आपके साथ हमेशा हो रहा है। आपको जो वीडियोज आते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल वीडियो हैं, उन्हें यूज करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा आपकी तकलीफों में आराम मिलेगा। और अपने लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज अलग अलग तकलीफों को लेकर हमने बनाया है। गैस के लिए वीडियो है, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पर, गैस के लिए है, कॉन्स्टिपेशन के लिए है, पेट फूलता है उसके लिए है, हेयर फॉल हो रहा है, बालों का झड़ना बहुत ज्यादा है, बाल ठीक से नहीं आ रहे हैं, सभी वीडियो बहुत प्रैक्टिकल हैं। सियाटिका के लिए वीडियो है, लिस्टिंग पे जरूर जाइए और देखिए कि क्या क्या समस्याओं पर वीडियो बनाए हैं, वो सारे प्रैक्टिकल वीडियो हैं। आप जैसे जैसे उपयोग करेंगे आपको फायदा होते जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।